हेयर इन दिस केस वी नीड टू प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। अब सबसे पहले हमें इस सिचुएशन में क्या करना होता है, लेट रूट थ्री बी रैशनल नंबर। हम कॉन्ट्राडिक्शन से स्टार्ट करेंगे उल्टे तरीके से, कि हम मान के चल रहे हैं रूट थ्री हमारा किसके इक्वल है, एक रैशनल नंबर के, और रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, एंड वी नो वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और पी और क्यू रहेंगे हमारे प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, सॉरी दे आर को प्राइम। अब यहाँ पे बात ध्यान रखना, को प्राइम है ये हमारे, तो यहाँ पे सिचुएशन क्या निकलती है आपकी, दैट यू वुड बी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। अब स्क्वायर क्यों लेना पड़ रहा है, ताकि वी कैन गेट रिड ऑफ दिस रूट, सो टेक स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स। व्हाट वैल्यू यू वुड गेट इन दिस केस, थ्री वुड बी देयर ऑन द लेफ्ट साइड, राइट साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर इज देयर। अब आपने क्या करना है, टेक क्यू स्क्वायर टू द लेफ्ट साइड और थ्री को नीचे ले जाओ, दिस वुड बिकम पी स्क्वायर ओवर थ्री। यहाँ से हमें समझ आता है कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री, किससे डिविजिबल है, थ्री से, एंड वी कैन ऑल्सो से देयरफॉर दैट पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री, क्योंकि अगर पी स्क्वायर डिविजिबल है थ्री से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। तो अगर हम पी को थ्री से डिवाइड करेंगे, सो अगर हम पी को थ्री से डिवाइड करते हैं, तो वट वी वुड गेट अ नंबर, कोई भी इंटीजर मिल जाएगा हमें, और उसका नाम यहाँ पे हमने क्या रख लिया, ए। तो यहाँ से हमें पी की वैल्यू कितनी मिल जाती है, थ्री बाय ए। नाउ पुट इट इन इक्वेशन वन, क्यू स्क्वायर इज देयर, पी की जगह क्या पुट करोगे, थ्री ए पुट करोगे, स्क्वायर लगाओगे डिवाइडेड बाय थ्री, राइट साइड पे आपके पास क्या आ जाएगा, नाइन ए स्क्वायर ओवर थ्री, नाइन से थ्री कैंसिल करो, यू वुड गेट थ्री। अब यहाँ पे आपके पास राइट साइड पे आ गया थ्री ए स्क्वायर, दिस इज थ्री ए स्क्वायर, एंड लेफ्ट साइड पे क्या आपके पास, क्यू स्क्वायर इज द, सो दिस इज क्यू स्क्वायर, राइट साइड आई हैव इज थ्री ए स्क्वायर, थ्री को डिवाइड कर दोगे, नाउ यू वुड बी हैविंग क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय थ्री। क्यू स्क्वायर आई कैन अंडरस्टैंड इज डिविजिबल बाय थ्री, और क्यू स्क्वायर अगर डिविजिबल है थ्री से, आई कैन से दैट क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री। इफ यू कैन से क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय थ्री, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय थ्री, किस से डिविजिबल होगा, थ्री से, सो हेयर इन दिस केस यू वुड गेट क्यू बाय थ्री। इसका मतलब क्या है, कि हमारा पी और क्यू के दोनों डिविजिबिलिटी किससे है, थ्री से है, इसका मतलब इनके तो कॉमन प्राइम नंबर्स हैं ये, ठीक है। सो दिस लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन, कि हमने तो मान के ये चला था कि पी और क्यू को प्राइम है, बट दे आर नॉट, सो हियर वी कैन से दैट इट लीड्स टू कॉन्ट्राडिक्शन। और क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, कि दोनों डिविजिबल किससे हो रहे हैं, थ्री से, और अगर दोनों थ्री से डिविजिबल हो रहे हैं, इसका मतलब दे आर नॉट प्राइम नंबर, सो वी कैन को प्राइम। सो अगर को प्राइम नहीं है, तो वी कैन से दैट रूट थ्री देयरफॉर अल्टीमेटली वुड बी एन इरेशनल नंबर। कैसे नंबर्स होंगे ये, इरेशनल नंबर्स होंगे।